हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका यू लर्न में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम इलिप्स कैसे ड्रॉ करेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल मेथड से। तो चलिए जानते हैं हम इलिप्स को कंसेंट्रिक सर्कल मेथड से ड्रॉ करते हैं। तो इसमें हम मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का कुछ डायमेंशन ले लेते हैं। तो चलिए मेजर एक्सिस को 140 mm ले लेते हैं और माइनर एक्सिस को 80 mm ले लेते हैं। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं कंसेंट्रिक सर्कल मेथड से इलिप्स। तो हम ये हमारा 140 mm है, तो हमको 70 रेडियस का रेडियस लेके 70 mm का रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। और फिर हमको एट्टी का आधा करके 40 mm का 40 mm का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो उसी सेंटर पे रख के हम 40 mm का एक सर्कल ड्रॉ कर लिए। अब हमें करना क्या होता है, इस सर्कल को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। तो चलिए हम इसको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ड्राफ्टर को 0.0 डिग्री पर लाएंगे इस लाइन को, और ये हमारा ड्राफ्टर सेट हो गया है। तो सेंटर से एक लाइन पास करेंगे हम, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि सेंटर से रहेगा हमारा। तो ये हमारा सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, और इसके परपेंडिकुलर इसी सेंटर से एक वर्टिकल लाइन सेंटर से होते हुए ड्रॉ करना है। तो ये हमारा सेंटर से होते हुए एक लाइन ड्रॉ हो गया। हमको इस सर्कल को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो चलिए हम हमको सर्कल को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम यहां से 30 डिग्री 60 90 पे तो हमारा हो गया है, और 120 और 150 पे एक पॉइंट लेके इसको सेंटर से आगे बढ़ाना होता है। तो चलिए हम सेंटर से आगे बढ़ाते हैं। आप सर्कल को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमारा आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। ये हर एक पॉइंट से सेंटर से होते हुए पास करा दिए। तो ये हमारा सर्कल 12 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो चलिए हम इसका नेमिंग कर देते हैं। ये हमारा 1 हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और इसको हम 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 कर दिए। ये हमारा नेमिंग करने का प्रोसेस था। अब हमको करना क्या होता है, इस 2 पॉइंट 3 पॉइंट से एक
वर्टिकल लाइन नीचे ड्रॉ करना होता है, और जब हम इस टू पॉइंट से अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ नीचे करेंगे तो इस टू डैश लाइन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें इधर ड्रॉ करना होता है। चलिए आपको हम दिखाते हैं। तो ये टू पॉइंट से हम एक वर्टिकल लाइन नीचे ड्रॉ किए और टू डैश लाइन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन इधर आगे हम बढ़ा दिए, तो ये हमें एक पॉइंट यहां पर मिल गया दोनों का इंटरसेक्शन। तो इसी तरह हमको और सब पॉइंट पे करना है। तो ये हम थ्री से इसको नीचे कर दिए एक वर्टिकल लाइन, और थ्री डैश से हमको एक लाइन इधर बढ़ाना होता है, और हम यहाँ 12 से भी यही करते हैं सेम। तो इसको आगे बढ़ा दिए और 12 डैश से एक हॉरिजॉन्टल लाइन इधर, तो हमको एक पॉइंट मिल गया। तो यहाँ 11 पे भी यही करते हैं और 11 डैश से एक हॉरिजॉन्टल लाइन इधर ड्रा किए, और ये प्रोसेस हमको इधर भी करना है। और 5 डैश से आगे इसको बढ़ा दिए तो ये हमको इंटरसेक्शन यहाँ पे मिल गया। और ये 9 पॉइंट पे भी हम करेंगे, और इधर 9 डैश से हमको बढ़ाना है तो यहाँ से एक इंटरसेक्शन मिल गया, और फिर हमको इस 8 डैश से आगे बढ़ाना है, और 8 से ये हमारा एक इंटरसेक्शन यहाँ मिल गया, और 6 से एक नीचे करना है, और फिर 6 डैश से हमको इधर करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमको एक पॉइंट यहाँ मिला, एक यहाँ, 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 और फिर यहाँ, यहाँ, यहाँ। और ये जो हमारा 1 और 7 है इसको हम ए और बी नाम दे देते हैं। ये ए बी हमारा मेजर एक्सिस हो गया, और जो ये हमारा 4 डैश और 10 डैश है इसको हम नाम सी और डी रख देते हैं। ये सी और डी हमारा माइनर एक्सिस हो गया। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से हमको एक इलिप्स ड्रा हो जाएगा। तो चलिए एक इलिप्स ड्रा करते हैं। तो हम आप फ्रेंच कर्व या का यूज करके भी ड्रॉ कर सकते हैं या फ्री हैंड से भी। तो चलिए हम फ्री हैंड से करते हैं। ये हर एक पॉइंट को मिलाते हुए हमको करना होता है। ये हमारा एक इलिप्स बन गया। ये मैंने फ्री हैंड से किया था, आप इसको फ्रेंच कर्व से भी कर सकते हैं। ये हमारा इलिप्स हो गया। ये जो हमारा पॉइंट था इसको पी, ये टू पॉइंट से हुआ है तो इसे पी टू डैश कह सकते हैं, इसे पी थ्री डैश, और ये पी फाइव डैश, पी सिक्स डैश, और ये हमारा पी नाइन डैश, पी एट डैश, पी इलेवन डैश, और ये पी ट्वेल्व डैश। तो ये हमारा एक इलिप्स इलिप्स बन गया। तो ये था हमारा कंसेंट्रिक सर्कल मेथड से इलिप्स को ड्रॉ करने का मेथड। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और चेक डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। और भी मैं इलिप्स बनाने के लिए और सब मेथड का वीडियो आई बटन पे आपको मिल जाएगा, और इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा कर्व्स का, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।